नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां पर सपा की सामाजिक न्याय यात्रा आज रवाना की गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से यात्रा रवाना की गई है। लोकतंत्र बचाओ एवं संविधान बचाओ जागरूकता यात्रा, जातिगत जनगणना को लेकर सामाजिक यात्रा निकाली जा रही है। सामाजिक न्याय यात्रा को आज अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो समाजवादी पार्टी के तरफ से सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसको अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से ये यात्रा निकाली गई है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव खुद मौजूद थे। उन्होंने इस रथ यात्रा को हरी झंडे दिखाए, जिसके बाद ये यात्रा रवाना हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा रवाना हो चुकी है, अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है। देखिए नंदनी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी कुछ छाप छोड़ना चाहती है। जातीय जनगणना को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कवायद कर रहे हैं कि किस तरीके से जातीय जनगणना को बल मिले, और अब की बार चुनाव का जो उनका मुद्दा है वो जातीय जनगणना को लेकर के है, ताकि वो ओबीसी वोट बैंक को अपने काबिज में कर पाए। तो ऐसे में एक सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत की है उन्होंने, और आज एक हरी झंडी भी दिखाई गई है पार्टी कार्यालय से। यानी उस सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए जनता तक वो पहुंचना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरीके की एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है। उस सामाजिक न्याय यात्रा में क्या होगा, क्या कहा जाएगा, किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, क्या जनता तक संदेश जाने वाला है, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अखिलेश यादव का जो गठबंधन था ये एनडीआई से, तो वो कहीं ना कहीं बीच में टूटता हुआ भी नजर आया। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर उन्होंने मनमाने तरीके से अपने प्रत्याशियों को उतारा। जनता इसको लेकर के हलकान थी कि आखिर जिस तरीके से प्रदेश के ये मुखिया रह चुके हैं पहले, और पार्टी से गठबंधन होने के बावजूद भी इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो उनका मतदान कहाँ पड़े। तो ऐसे में जनता अपनी चीजों को समझ रही है, और जिस तरीके से सामाजिक न्याय यात्रा की आज शुरुआत की गई है, तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा समाजवादी पार्टी को सामाजिक न्याय यात्रा से मिलने वाली। देखिए, समाजवादी पार्टी का इस बार का बड़ा नारा है पीडीए। पीडीए को लेकर लगातार अखिलेश यादव बयान भी देते रहते हैं। क्या कुछ लगता है पीडीए से कितना फायदा पहुंचने वाला है, और जिस तरीके से आज उनके रथ यात्रा में देखा गया पीडीए, बड़े बड़े बैनर लगे हैं पीडीए के, तो क्या लगता है कितना फायदा पहुंचाने वाला है समाजवादी पार्टी को? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है नंदनी की पीडीए की जो जिस तरीके से अखिलेश यादव तैयारी कर रहे थे कि उनका वोट बैंक कैसे वो पाले में लाए, तो ऐसे में वो कई तरह की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन चुनाव अभी मध्य प्रदेश का जैसे सर पर आ गया, मतदान वहाँ जो प्रचार प्रसार था वो थम गया, मतदान की प्रक्रिया कल शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से पीडीए को अखिलेश यादव दिखाना चाह रहे हैं पिछड़ी जातियों को, ओबीसी को, वो तो ऐसे में अब उनके लिए एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की टक्कर जिस तरीके से उनसे हो रही है, और कई प्रदेशों में उन्हें पटकनी खानी पड़ी, उत्तर प्रदेश में भी उनको करारी हार मिली दो बार, तो ऐसे में वो अपने पार्टी का अस्तित्व और अपने विधायकों का अस्तित्व किस तरीके से बचाएंगे, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से चुनावी कमर को कसा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को बहुत धक्का लगाना पड़ सकता है। अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को तैयार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज ये हरी झंडी दिखाई है, उनके वहां पर और नेता कर्मी मौजूद थे, राम गोविंद चौधरी भी वहां पर मौजूद थे, नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद थे। तो इस सामाजिक न्याय यात्रा का कुल मिलाकर ये लंबो लवाब है कि संविधान और लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, ऐसे वो जनता तक और जनता तक जागरूकता फैलाना चाहिए। सामाजिक न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के साथ और कौन कौन से लोग मौजूद थे रितेश? देखिए, सामाजिक न्याय यात्रा की बात की जाए तो हमारे साथ उनकी पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम एक बार उनसे भी जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, क्या आज का हम अखिलेश यादव है, क्या लगता है सामाजिक न्याय यात्रा से लाभ मिलने वाला है, और कहाँ जा रही सामाजिक न्याय यात्रा? सामाजिक न्याय यात्रा से हमको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि हम पीडीए के ही पीडीए से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है पीडीए, हमें सबके वोट चाहिए, दलित अल्पसंख्यक पूरे समाजवादी पार्टी पूरे समाज को एक साथ लेकर के
चुनाव लड़ेगी और उम्मीद है कि हम 2024 के चुनाव में काफी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेंगे। अचानक सामाजिक न्याय यात्रा जिससे पीडीए का वोट हमको सारे चाहिए, लेकिन पीडीए हमारा मेन बेस होगा। पिछली जो जाति है उसका राजनीति में काफी दखल रहा है और पिछली जातियों से ही राजनीति होती है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बार बार की जाति एक जनगणना होनी चाहिए, ये मुद्दा बना रहे हैं आपकी बात। बिल्कुल होना चाहिए, जाति का जनगणना होनी चाहिए, तो उपेक्षित जातियां उनको सामने लाना चाहिए, लाइट में लाना चाहिए, उनके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। देखो पार्टी के लोग हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से जाति जनगणना की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं तो होना चाहिए, तो ऐसे में जो आज सामाजिक न्याय यात्रा निकल रही वो लगभग लगभग 80 लोकसभा जो सीटें हैं वहां तक वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये आज नहीं, कई पिछले कई महीनों से ये यात्रा और इसके अलावा भी और कई रूप में चलाई जा रही है। फिलहाल आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, पूरी तरीके से चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है, ऐसे में सभी नेता अपने अपने जुगत में लगे हुए हैं कि किस तरीके से जनता के बीच वो पहुंचे और जनता के दिमाग को स्ट्रोक करें कि वो वोट उनको दे। रितेश, जातिगत जनगणना के अलावा समाजवादी पार्टी का और क्या कौन कौन सी बड़े मुद्दे हो सकते हैं इस सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए? सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए तो सीधा सीधा उन्होंने एक अपना बोल दिया है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। यानी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से संविधान बचाने की बात है अखिलेश यादव कर रहे हैं तो उसको ये लगता है कि संविधान खतरे में है, जिसके लिए वो सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच करके इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। यानी जब उनकी सरकार आएगी तो संविधान को बचाया जा सकता है, यानी लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के लिए वो प्रचार प्रसार बढ़ा रहे हैं ताकि जनता उनको चुने और उनको चुनने के बाद वो जो लोकतंत्र खतरे में है उनके हिसाब से उस खतरे से वो उसको बाहर निकाल पाए। ऐसे में इनके पास जो एजेंडा अभी बात की जाए तो पीडीए और जो जातिगत जनगणना का जो सबसे बड़ा प्रोपेगंडा इस समय फैला हुआ है, सबसे बड़ी बात जो जातिगत जनगणना की हुई है वो एक अहम मुद्दा समाजवादी पार्टी लेकर के। सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता के बीच पहुंच रही है और कब तक ये सामाजिक न्याय यात्रा चलेगी, कितने दिनों तक? देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी है तो 80 लोकसभा सीटें हैं वहां तक वो हर जो जनता है सभी मतदाताओं के पास तक वो पहुंचना चाहते हैं। यानी वो अपने जो वार्ड बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जरिए वो उन मतदाताओं तक पहुंचना चाहते हैं और इस सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से फटकनी देनी है और IANDI से जो उनका गठबंधन है उस गठबंधन को लेकर से वो कितनी सजगता दिखा रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में किस तरीके के कार्य को किया है, तो ऐसी सब कुछ योजनाओं को वो जनता के बीच में कहना चाहते हैं, जिसकी फटकनी उनको उत्तर प्रदेश में दो बार खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 01 और 2.0 की सरकार बनी, तो ऐसे में अब अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी साख को बचा पाएंगे, दोबारा उत्तर प्रदेश में क्या सीटें आ सकती हैं इस लोकसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मतदाता का जो मूड है उस मूड पर निर्भर करता है कौन सा अधिकारी, कौन सा नेता किस पद पर बैठेगा और कहां जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहारा प्रमुख सुब्रत राय का पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंच चुका है और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां सहारा प्रमुख का शव लखनऊ पहुंचते ही भारी संख्या में लोग सहारा शहर पहुंच गए। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अंतिम दर्शन के लिए सहारा प्रमुख के आवास पहुंचे हुए थे। वहीं रॉय का पार्थिव शरीर रात भर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, इसके बाद आज लखनऊ के भैंसा कुंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि सहारा प्रमुख काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन 12 नवंबर को तबियत ज्यादा बिगड़ने के कारण उनको मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार रात को उनका निधन हो गया। जिसके बाद निधन की खबर के सुनते ही बॉलीवुड निर्माता निर्देशक बोनी कपूर भी देर रात कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने जॉय ब्रोटो रॉय से भी मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए सुब्रत राय का पार्थिव शरीर रखा गया था, क्या कुछ अभी अपडेट है? बताना चाहूंगा कि 75 साल की जो है एज में जो सहारा श्री सुपुत्र राय हैं, उनका निधन हो गया था मुंबई में, जिसके बाद लखनऊ के उनके चार्टर्ड प्लेन पे उनको यहाँ पर लाया गया था और अब जो है उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पे सहारा शहर पे रखा गया था और जहाँ पर कल से तमाम जो
शहर की बड़ी हस्तियां हैं, वो उनके ताता लगा हुआ था। तमाम आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, राम गोपाल वर्मा भी पहुंचे थे, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियां थी, अन्नू मलिक और तमाम जो लोग थे वो वहां पे उनको श्रद्धांजलि देने वहां पर उनको पहुंचे थे। तो जिनका पार्थिव शरीर जो है आज सुबह उसके बाद ऐसा कुंड जो है लेके जाया गया है और वहां पे उनके अंतिम संस्कार की जो है वो तैयारियां चल रही है। नंदिनी जी, तो अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा, क्या कुछ इसका टाइम निकल कर सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो अंतिम संस्कार है वो जो है होने वाला है और जो उनका पार्थिव शरीर है वो वहां भैंसा कुंड में पहुंच चुका है इस समय, और तमाम लोग हैं, तमाम उनके परिवार के लोग हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं वो सुबह से ही उनके आवास पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए तमाम लोगों ने प्रार्थना करी और वहां पे पहुंचे हैं, और उसके बाद जो है इनका पार्थिव शरीर जो है वो भैंसा कुंड में लेकर आया गया, और भैंसा कुंड में तमाम जो बड़ी हस्तियां थी वो मौजूद थी, उनके परिवार के लोग थे, और कहा यह जा रहा है कि जो उनका पोता है वो उनको जो है वो अग्नि देगा। तो सुबह से ही जो है यहाँ पे लोग इनके आवास पर इकट्ठा थे, और ये बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। जो ब्रिजेश पाठक है उनका भी साफ तौर पे ये कहना था कि ये सहारा श्री सुपुत्र राय जो है वो एक बड़े व्यापारी थे, बड़े, और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि बात ये भी निकल कर सामने आ रही है उनको लेकर के उन्होंने 2000 रुपए से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था, शुरू किया था, जिसके बाद वो जो बिजनेस है वो इस मुकाम पर पहुंचा। हालांकि बीच में इनका पर जो है वो काफी मुश्किलें भी आई, तो उस मुश्किलों में भी इन्होंने लड़ा, जंग लड़ी, काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। हाल ही में अभी जो इनका देहांत हुआ है वो बहुत अच्छे समय में नहीं हुआ है, लेकिन इनका नाम अच्छे बिजनेसमैन में शामिल होगा, और लोगों ने नम आंखों से इनको विदाई दी है। नंदिनी, बिल्कुल वैसे देखिए बड़ी क्षति है, जो उनके चाहने वाले हैं लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? मैं सुरक्षा व्यवस्था की नंदिनी आपको बात बताना चाहूंगा कि जब इनका पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पे आ रहा था तो वहां पर तमाम पुलिस कर्मियों को लगाया गया था, जिस गेट से उनका शरीर, मैं उस दिन से बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कल से, कि कल से तमाम जो सुरक्षा कर्मी है जो जिस गेट से उनको निकाला गया वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उनके जो अपने कर्मचारी थे सारा समूह के, और जो उनके जितने भी दोस्त और जानने वाले जो भी उनके परिचित थे वो भी मौजूद थे, उसके अलावा भी जो उनकी सिक्योरिटी है वो भी लगी थी, और अभी जो तमाम पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है उनके घर के बाहर, जो सहारा शहर के बाहर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई थी, सिक्योरिटी चेक हो रहा था, सिक्योरिटी चेक होने के बाद ही इनको जो है अंदर एंट्री मिल रही थी। तो अगर पुलिस, क्योंकि तमाम वहां पे देखिए बड़ी हस्तियां थी, और पुलिस की इंतजाम की अगर बात करें तो इन बड़ी हस्तियों की वजह से और जो सहारा सुपुत्र राय है उनकी भी अपनी भी एक अहमियत थी, उसको लेकर जो अगर हम बात करें कि तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो तमाम सतर्क था, और सिक्योरिटी के लिहाज से वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपावली के त्योहार के बाद से यूपी के कई शहरों की हवा में प्रदूषण बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन लोगों ने दीपावली पर जमकर आतिशबाजी की और पटाखे फोड़े, जिसके बाद एक बार फिर से हवा का AQI खराब हो गया है। गुरुवार को भी नोएडा, गाजियाबाद समेत कई बड़े शहरों में सुबह से धुंध देखने को मिल रही है और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा बुरा हाल मेरठ का है, जहां हवा का AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों से यहां की हवा काफी खराब बनी हुई है।
नोएडा सेक्टर 62 में हवा का AQI लेवल 362 दर्ज किया गया है। साथ ही ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में हवा का AQI 345 दर्ज किया गया है और गाजियाबाद के लोनी इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 362 दर्ज किया गया है, जो कि हवा की गुणवत्ता में बेहद खराब श्रेणी में आता है। फैंस को थप्पड़ मारने के बाद लोगों के निशाने पर आए बॉलीवुड फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने वायरल वीडियो पर माफी मांगते हुए अपनी सफाई दी है। जहां नाना पाटेकर ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि फिल्म का एक हिस्सा था, उसे फिल्माया जा रहा था, रीटेक के दौरान उस लड़के को फिल्म यूनिट का मेंबर समझकर गलतफहमी में थप्पड़ मार दिया। तो बता दें कि कल से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से एक सेल्फी लेने एक युवक पहुंचता है नाना पाटेकर के पास। वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वो जोर से थप्पड़ मार देते हैं उसे, और जिसके बाद ये सोशल मीडिया में आने के बाद ये वीडियो अब उनकी काफी आलोचना की जा रही थी, जिसको लेकर अब नाना पाटेकर ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म का एक ऐसा ही सीन था और वो रीटेक कर रहे थे, जिसके बाद वो युवक आता है, सेल्फी मांगता है, उन्होंने गलतफहमी में उसे थप्पड़ मार दिया है। नमस्कार। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मेरे किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है, हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ। पीलीभीत के अमरिया में खनन करते रेत को भट्ठे पर ले जाते समय कच्चा मार्ग सरैनी तुरकानिया मार्ग पर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। जहां सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। औरैया में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो की पड़ताल की तो वायरल वीडियो अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गंगादासपुर का बताया जा रहा है, जहां पर दो परिवारों में आपसी विवाद हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। वहीं जानकारी के अनुसार पहले दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन पीड़ित पक्ष ने तहरीर दी है, जिसको लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो ग्राम गंगदासपुर थाना अजीतमल का है। मेरे द्वारा आज जाकर के जांच की गई, पाया गया कि ये वीडियो 12/11/2023 का है, जो सगे परिवारी जन आपस में झगड़ गए थे। ये मुख्य विवाद ये कंडे पाटने को लेकर के था, इनकी महिलाओं ने आपस में झगड़ा कर लिया इसको लेकर के। ये भी पाया गया कि उसी दिन आपसी, चूँकि परिवारी जन है तो उसी दिन बैठ के इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।